ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने काफ़ी सारे सेशन लिए हैं और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ पे बेसिक तक हम लोगों ने बात की है और बताया भी है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ और उससे रिलेटेड फार्मूले आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप प्रॉपर्टीज़ आप ट्राइंगल में हमारे साथ हैं तो हम आपसे बोलेंगे कि अगर आपने प्रॉपर्टीज़ आप ट्राइंगल से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटी को कवर नहीं किया है तो वन बाई वन पहले आप उस चीज़ को कवर करें। हमने बोला ही है कि अगर किसी भी टॉपिक के साथ लेक्चर अगर पढ़े हैं तो आप एक साथ मत देखें, थोड़ा वेट करें और हर एक वीडियो को कम एक दिन दें और उसके साथ टेक्स्ट बुक फॉलो करें। ये आपको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। हमने बोला कि और हमेशा बताया भी जाता है कि कैसे पढ़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप क्लास में आप पढ़ते हैं तो क्लास में भी सारी चीज़ें एकदम से नहीं दे दी जाती हैं, उसको पार्ट वाइज टीचर असाइन करता है। ऐसे भी अगर आप ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी एक अपने आप में एक डिसिप्लिन बनाना होगा और चीज़ों को आप वन बाई वन ही फॉलो करेंगे। तो ऐसे ही अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइन रूल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइन रूल। यही सारी चीज़ें खुलेंगी और हम लोग इसको प्रूव करेंगे। हमने बोला कि कोई भी फार्मूला प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, बहुत सारे फार्मूले हैं, उन सारे फार्मूले को जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल को सही तरीके से आप सीख नहीं सकते हैं। तो हम इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि ट्रिक्स और शॉर्टकट से पहले आप फार्मूले फार्मूले का बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर ध्यान दें। तो यहाँ पर बोला गया कि साइन ऑफ द एंगल, मतलब कोई भी एंगल है तो एंगल ए है उसका साइन तो साइन ए, एंगल बी है तो उसका साइन साइन बी, एंगल सी है तो उसका साइन साइन सी, ठीक है। तो उसने बोला साइन ऑफ द एंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स का मतलब क्या है कि अगर एंगुलर या वर्टाइसिस या वर्टेक्स या एंगुलर पॉइंट ए को लें तो उसका अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ऐसे सिमिलरली बी को सामने वाले को बी करेंगे और सी के सामने वाले को सी करने वाले हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स की लेंथ को ए स्मॉल बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने बोला कि साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी प्रोपोर्शनल है ए रेशियो बी रेशियो सी से। तो मतलब हमें प्रूव करना है कि ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी और इसको सम कांस्टेंट के, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे या यह देखेंगे कि कोई भी साइड है उसको आप साइन ए के टाइम्स, मतलब ए प्रोपोर्शनल टू साइन ए, तो जब उसको आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो सम कांस्टेंट के ले आएंगे। तो हर साइड्स को साइड्स की लेंथ को आप एंगल के साइन के फॉर्म में आप रख सकते हैं। ए बराबर जैसे के साइन रखा गया है तो बी बराबर के साइन भी रख सकते हैं, सी बराबर के साइन सी रख सकते हैं। इस आप आइडेंटिटीज इस फार्मूले को आप लगा सकते हैं, आप इस तरीके से रेशियो को आप यूज़ कर सकते हैं। साइन रूल के इन सारे तरीके वे आप प्रेजेंटेशन को आप ध्यान दें। अब कैसे प्रूफ होगा इसको देखते हैं, बट ये आपको ये दिमाग में जरूर रखना है कि किस तरीके से लिया जा रहा है। ट्राइंगल को हमने सपोज किया, साइड्स की लेंथ को ए बी सी मान रहे हैं और ट्राइंगल के एंगुलर पॉइंट को कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मान रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का सबसे पहला रूल साइन रूल, इसको प्रूफ हम लोग करने वाले हैं। आपके सामने एक ऑब्लिक ट्राइंगल लिया है ए बी सी। अब ए वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे हमने एल्टीट्यूड डाला है जो परपेंडिकुलर होता है, यानी साइड बी सी के परपेंडिकुलर ए डी है। अब ट्राइंगल ए बी डी में हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो ट्राइंगल ए बी डी को अगर हम यहाँ पे लें तो यहाँ ध्यान दें कि ट्राइंगल ए बी डी ए बी और डी ये एंगल 90 हो गया, ये हमारा हाइपोटेनीज है एच, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारी हाइट हो गई परपेंडिकुलर हो गया पी, ठीक है। हम ध्यान दें कि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनिस है। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्राइंगल ए सी डी में भी हम लोग
ध्यान देंगे तो दोनों से हमें हम लोग निकालने क्या वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों में कॉमन हमारा ए डी है, दोनों में कॉमन क्या है, ए डी है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस किसमें आता है, साइन में। तो साइन बी बराबर परपेंडिकुलर मतलब ए डी और हाइपोटेनिस दैट इज ए बी। तो यहां पर हमने ए डी निकाला ए बी साइन बी से, और यहां पर भी इस वाले ट्राइंगल में निकालेंगे तो यहां पर ए डी निकालेंगे, ए डी बराबर निकालेंगे। तो यहां पर हमने ए बी साइन भी निकाला तो यहां पर ए सी साइन सी निकालेंगे, तो बराबर कर देंगे ए सी साइन सी। तो हमने यहां पर इस को ले लिया तो ए बी देखे क्या है सी, तो सी साइन बी बराबर ए सी क्या है बी, बी साइन सी। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें सी अपॉन साइन सी बराबर बी अपॉन साइन बी, आगे प्रूफ कर देंगे ए अपॉन साइन ए। तो साइन रूल हमने प्रूफ कर दिया कि साइन ऑफ द एंगल्स, एंगल्स के साइन साइन थीटा आर प्रोपोर्शनल टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप कोई भी एंगल है उसका साइन उसके साइड्स अपोजिट साइड्स के प्रोपोर्शनल आप ले सकते हैं। जहां पर भी साइन ए है वहां पर ए, साइन बी है वहां पे बी, और साइन सी है वहां पर सी, या समटाइम्स के टाइम्स कर सकते हैं। इससे बहुत ही क्वेश्चंस आपके लगने वाले हैं, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको अभी देखेंगे हम लोग। साइन रूल पे बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन जो आपके सामने है, यहाँ पर देखेंगे कि साइन रूल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एक हमें रिलेशन दिया गया, इस रिलेशन में साइन रूल यूज करेंगे। साइड की लेंथ, एक साइड की लेंथ ए जो 2 दी गई है, हम बेसिकली ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया बहुत ही तरीके से निकलता है, ठीक है, बट सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्या वो, अगर पर्टिकुलर जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल, इक्वालेटर ट्राइंगल, अगर पर्टिकुलर कोई स्पेशल शेप में है तो उनके पर्टिकुलर स्पेशली फार्मूले होते हैं, अदरवाइज अगर वो पर्टिकुलर फेस शेप में नहीं है तो हम जनरल फार्मूले लगाते हैं। तो अब पहले हम देखते हैं कि इस रिलेशन को ध्यान देते हैं कि कॉस ए अपॉन, अब एक चीज में ध्यान दी थी अभी साइन रूल में देखा था कि जहाँ पर स्मॉल ए है वहाँ पे के साइन ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, जहाँ स्मॉल बी है वहाँ पे क्या के साइन, तो ऐसे के साइन ए लिख लिया हमने जो हमें दिया गया था। कॉस बी अपॉन क्या लिख लिया, के साइन बी लिख लिया, और यहाँ पर क्या लिख लिया, कॉस सी अपॉन के साइन सी। के का को तो यहाँ पे रिलेवेंस खत्म हो गया, कॉट ए कॉटजेंट ऑफ एंगल्स बराबर हो गए, कॉट बराबर हो गए, टेन बराबर हो गए, तो तभी बराबर हो गए जब एंगल्स आपस में बराबर होंगे, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। अब आपको पता ही होगा कि ट्राइंगल के सारे एंगल बराबर हैं, तो ट्राइंगल के सारे एंगल बराबर हैं तो एंगल का सम क्या होता है ट्राइंगल में, 180 डिग्री, और जब सारे एंगल बराबर हैं तो 3a बराबर क्या 180 डिग्री, तो एक एंगल जो आया वो क्या आया 60 डिग्री। अब कभी भी ट्राइंगल के कोई भी एंगल, कोई भी ट्राइंगल हो और सारे एंगल अगर 60 डिग्री हैं तो सबसे वेल नोन है कि इक्वालेटरल ट्राइंगल होता है, क्या होता है इक्वालेटरल ट्राइंगल। इक्वालेटरल ट्राइंगल मतलब सारी भुजाएँ उसकी क्या हैं बराबर समबाहु जिसको बोलते हैं, समान भुजाएँ इक्वल लेंथ की सारी भुजाएँ। अब जब इक्वालेटरल ट्राइंगल मतलब इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि इक्वालेटरल ट्राइंगल है, इक्वालेटरल ट्राइंगल में एरिया जो होता है, एरिया का फार्मूला जो होता है वो होता है रूट थ्री बाई फोर साइड, किसी भी साइड, इक्वालेटरल ट्राइंगल का मतलब है कि साइड सारी बराबर, तो साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई भी साइड दी गई तो ए यहाँ पर जो है वो साइड की लेंथ ही है, तो रूट थ्री बाई फोर टू का स्क्वायर, तो देखा गया है रूट थ्री स्क्वायर यूनिट उसका एरिया आ गया। तो देखा जाए अगर ध्यान आप दें तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में साइन रूल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बट अगर आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस में नहीं लेंगे तो हो सकता है कि ये टफ बन जाए, क्योंकि यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करना है, ये जो आइडेंटिटी दी गई है फॉर्मूला दिया ये यही जज करना है कि ये इक्वलेटर ट्राइंगल है। तो डेटा केवल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, बट डेटा क्या साइड दी गई थी, तो साइड के टर्म में कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है,
तो जब इक्वलेटर ट्राइंगल प्रूव कर दिया तो साइड के मतलब में तभी फार्मूला जब वो इक्वलेटर ट्राइंगल हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का एक अच्छा क्वेश्चन, साइन रूल पर आधारित भी मान सकते हैं कि एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। समेसन, यहाँ पे समेसन का क्या इंपॉर्टेंस है, समेसन को कैसे ऑपरेट करेंगे। समेसन का मतलब है कि कॉन्टीन्यूअस डिस्क्रीट धीमे धीमे आगे क्या करना है, समेसन कॉन्सिक्यूटिव जोड़ता चला जाता है, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप के बाद वो एक, जैसे कैलकुलेटर में हम लोग जोड़ते हैं कि 1+2+3+4+5, तो जब आपने पूरा ऐड हो गया तो इकट्ठे हो गए, जब आपने इक्वल दबाया तो सारा एडिशन वहाँ पे आ गया। तो ऐसे यहाँ पर भी, अब यहाँ पे समेसन का मतलब है कि साइड्स ए बी सी हैं और एंगल ए बी सी हैं, तो बारी बारी से हम लोग ऑर्डर मिलेंगे। तो पहले साइड ए के साथ दिया गया साइन बी माइनस साइन सी, फिर ए के बाद साइड क्या आएगी, बी आएगी, तो जब बी आएगी तो ए के साथ बी सी आया तो बी के साथ सी ए आएगा, तो साइन सी माइनस साइन ए आ जाएगा। अब साइड बी आई तो फिर उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी के साथ ए बी आएगा, साइन ए माइनस साइन बी। ये समेसन का मतलब था, ठीक है, कि बारी बारी से आप जितने भी साइड्स, तीन साइड्स हैं तो तीन साइड्स तक आप जाइए, उसका एक स्टेप दे दिया गया मतलब एक फोल्ड दिया गया उसको खोल दिया गया तो ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल कहता है कि ए की जगह के साइन ए रख सकते हो, बी की जगह के साइन बी, सी की जगह के साइन सी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब के साइन ए जो बोला गया, ठीक, तो यहाँ रखेंगे के साइन ए साइन बी माइनस साइन सी, यहाँ के साइन बी रख सकते हैं और साइन सी माइनस साइन ए, और फिर यहाँ के साइन सी और साइन ए माइनस साइन बी। अब इसको बस केवल आपको ओपन करना है, ठीक है, जब आप ओपन कर दीजिए देख लीजिए के साइन ए साइन बी माइनस के साइन ए साइन सी आ गया, यहाँ पे के साइन बी साइन सी आ गया माइनस के साइन बी साइन ए आ गया, और के साइन सी साइन ए आ गया और माइनस के साइन सी साइन बी आ गया। अब आप इतना से ऑब्जर्व करें कि पहला वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या कैंसिल हो जा रहा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या कैंसिल हो गया, सारे टर्म्स एक दूसरे से, तीन टर्म्स पॉजिटिव में थे और तीन टर्म्स नेगेटिव में थे, वो सारे टर्म कैंसिल हो गए, आंसर क्या मिल गया हमें, हाँ जीरो मिला। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने में ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, साइन रूल का एक अच्छा क्वेश्चन आधारित क्वेश्चन यहाँ पे किया। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से, एक क्वेश्चन आपके सामने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको फ्रेम करना है, जैसे कि कोई क्वेश्चन एक पजल फॉर्म में होता है, आप जब उसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको पहले लॉजिकली आपको फ्रेम करना पड़ता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, हम उसके सारे टर्म को समझते चलते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सपोज कोई ट्राइंगल लिया गया ए बी सी, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है कि सम ऑफ बाउंड्रीज, तो सम ऑफ बाउंड्रीज मतलब साइड्स की लेंथ का सम, तो ये ए है प्लस बी प्लस सी, इसको 2s भी बोलते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बोला, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू सिक्स टाइम्स होगा, छः गुना होगा, सिक्स टाइम्स होगा अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन AM, ए बी का अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड, तीन नंबर ए बी सी का अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो तीनों को जोड़ेंगे और तीन से डिवाइड। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है कि जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबर को जोड़ दीजिए और उस उतने ही नंबर नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट हैं एलिमेंट्स उतने ही से डिवाइड कर दीजिए, 100 नंबर 100 को जोड़ के 100 से डिवाइड, 4 नंबर 4 को जोड़ के 4 से डिवाइड, तो जो भी ऑब्जेक्ट हो। तो उसने बोला कि साइन ऑफ इट्स एंगल, तो एंगल कितने, 3,
उनके साइन, साइन ए, साइन बी और साइन सी। एंगल के साइन का अर्थमेटिक मीन, मतलब तीनों को जोड़ के किससे डिवाइड, थ्री से डिवाइड। बेसिकली ये रिलेशन याद दिया गया था। तो पेरीमीटर क्या बताया गया, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हो गया टू टाइम्स साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। इतना हमें गिवन है। साइन रूल बोलता है कि ए बराबर के साइन ए रख सकते हैं, बी बराबर के साइन बी रख सकते हैं, के साइन सी रख सकते हैं। के कॉमन हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर टू टाइम्स साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अब देखिए ये इससे कैंसिल हुआ तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, टू आ गई। के की वैल्यू आ गई टू। और हमें एंगल ए बताना है, क्या बताना है, और देखो साइड ऑफ लेंथ ए, ए की वैल्यू कितनी है वन, के की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई, साइन ए एंगल निकालना है। यहाँ रखे वन बराबर टू साइन ए, तो साइन ए बराबर कितना आ गया वन बाई टू। ऐसा कौन सा एंगल यहाँ रखा जाए कि साइन की वैल्यू वन बाई टू हो जाए, पाई बाई सिक्स बोलें, थर्टी डिग्री बोलें, जो भी बोलें, तो वहाँ पे ए ऑप्शन सही हुआ। अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा होगा तो रियल मामले में जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के बारे में दिमाग में बनता है कि ट्राइंगल और प्रॉपर्टीज, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जब आप तीनों क्वेश्चंस को और साइन रूल को आपने समझा होगा, जो आपने यहाँ पर उसका एप्लीकेशन देखा होगा, सहज तरीके से और बहुत ही इंटरेस्ट तरीके से यहाँ पर इंटरेस्टिंग वे में क्वेश्चंस कराए गए। और रियल में अगर आप इसी एनर्जी के साथ इसी तरीके से क्वेश्चंस को प्रूव, जो साइन रूल है उसको प्रूव किया गया, फिर उसका एप्लीकेशन देखा, ऐसे हम लोग आगे कोसाइन रूल उसका एप्लीकेशन देखेंगे, आगे और भी रूल होंगे उनको प्रूव करेंगे, उनका एप्लीकेशन देखेंगे। हम लोग ने बोले रहे हैं कि शॉर्टकट्स, अगर शॉर्टकट्स पे आप कंसर्न है तो आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहीं पर आप ट्रिक्स बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री आप डाल दें तो बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। बट क्या उन क्वेश्चंस के अलावा हम सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो लगा पा रहे हैं सही से? तो ट्रिक्स पे आप अभी, मैंने बोला ट्रिक्स सही है, शॉर्टकट सही है, आंसर आना सही है, बट जब आप बेसिक फाउंडेशन पर हों, बिगनिंग पे हो, तो सबसे पहले आपको कंसर्न रहना है आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स पर, अपने बेस पर। तो मावला क्लासेस का जो शुरुआत का ये है वो उनके लिए है जो एज ए कोर्स मैंने बोला कि कंटिन्यू कर रहे हैं, पेशेंसली वॉच कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे रहे हैं, उन्हीं के लिए बाद में हम लोग क्या करेंगे उस वे में भी आएंगे। बट अभी अगर उस वे के लिए आप यहाँ बैठे हैं कुछ शॉर्टकट चाह रहे हैं तो आप अभी ना फॉलो करें, फिर बाद में फॉलो करें, ठीक है? मुझे लगता है कि उन सारे लोग जो बाइनोमियल वेक्टर से कंटिन्यू करते हुए अभी आ रहे हैं तो वाकई में उनके अंदर डेडिकेशन है, मतलब एक जगह पर रुकना और उसको फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर जो फॉलो कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, मुझे वहाँ पे लिखें कि मैंने पूरे फॉलो किए हैं, तो रियल में वो बहुत अप्रिसिएबल होंगे।